मेरा फोन क्यों? देविका दी को एक रोमांटिक सा मैसेज टाइप करके भेजूंगी। अरे यार मेरी एक फ्रेंड आ रही है और मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल डेड है और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। शुक्र है मेरी फ्रेंड का नंबर गलत था तो मैं चला गया और गलत है बाबा, मैं वो रिस्क लूंगी ही नहीं। और तुम तो शरीफ हो, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और मुझ पर इतना भरोसा क्यों? लो ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दर्द क्या रेडी। और मुझ पर इतना भरोसा क्यों? लो ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल किसी और, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल ऑलरेडी किसी के लिए धड़कता है। और जब कोई सच्चे प्यार में होता है ना तो वो फ्लर्ट फ्लर्ट करना छोड़ देता है। अच्छा सुनो, मैं मैसेज टाइप कर देता कौन? ये नारायण शर्मा देखकर अच्छा नहीं लगा होगा। बहुत बाल है, बहुत अच्छे पूरे पूरे भाई। दी और जीजू को साथ में डांस करते देखकर अच्छा नहीं लगा होगा ना? बहुत बुरा लगा होगा इनफैक्ट, राइट? देखो मुझसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो मुझसे क्यों बोलेगा? ए मलमल देना इधर। इनफैक्ट बहुत बुरा होगा। इनफैक्ट एक्शन। इनफैक्ट बहुत बुरा लगा होगा, राइट? एक बार और लेते हो। वो थोपना है सीरियस के ऊपर। साथ में डांस करते देखकर अच्छा नहीं लगा होगा ना? इनफैक्ट बहुत बुरा लगा होगा, है ना? देखो अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वो क्या है ना, मैंने देविका दी के भी एक्सप्रेशन नोटिस किए थे। वो तो बहुत जेलस फील कर रही थी तुम्हें किसी और लड़की के साथ डांस करते हुए देखकर। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, मुझे पता है। अब तुम्हारे इस वॉट वाले रिएक्शन का क्या मतलब समझो? तुम्हें अच्छा लगा कि वो जेलस हो रही थी या अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, वही तो प्रॉब्लम है। जैसे तुम्हारे जैसा कोई मिले तो मुझे जरूर। क्यों? वही तो प्रॉब्लम है, नहीं है। पर अगर तुम्हारे जैसा कोई दिखे तुम्हें तो मेरे, पर तुम्हारी नजरों में तुम्हारे जैसा, पर तुम्हारी नजरों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा कोई हो तो जरूर बताना। हाउ मीन? क्यों? साक्षी को हैंडल कर सके। ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो साक्षी को हैंडल कर सके। एनीवे वो सब छोड़ो, मुझे अपना फोन दे दो। ये भी कर दो एक एक्शन। एनीवे वो सब छोड़ो, मुझे अपना फोन देना। मेरा फोन? कहाँ पर? वो सच में बोल रही है क्या? हाँ लेकिन उसके सामने तो ऑफिस करूँ। हाँ ऑफिस ही वो जो रेडी 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 वो कहाँ पहुंची है। अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसका नंबर किसी गलत हाथ में चला गया तो अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसके नंबर का कोई, उसके नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ तो, अरे बाबा मेरी फ्रेंड आ रही है, उसे फोन करके पूछना था कि वो कहाँ पहुंची है। मेरी फोन की बैटरी डेड है और मैं किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। उसका नंबर किसी गलत हाथों में चला गया, किसी ने उसके नंबर का गलत इस्तेमाल किया तो ना बाबा ना। इस मामले में तुम बहुत शरीफ हो, तुमसे किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? लास्ट कोई खतरा नहीं है, राइट? लो ये भी कोई बोलने वाली बात है?
मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है। और ओए, तू ये सादा पानी क्यों पी रही है? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुझे ना वो पीना चाहिए, बहुत बेटर फील करेगी। शराब? साक्षी तू पागल हो गई, तू मुझसे शराब पीने को कह रही है? और क्या, ये भगवान, यही तो प्रॉब्लम है। चलो फिल्में नहीं देखते ना। ओके मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है तुझे। तुझे जेलिस मैंने खुद देखा है कि तू कितना जेलिस फील कर रही थी उस लड़की को रवि के साथ डांस करते थे। मैंने खुद देखा तू कितना जेलस फील कर रही थी रवि को सर के साथ डांस करते थे। मैं क्यों जेलस फील करूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है साक्षी। तेरी आंखें हमें दिखाई देते हैं। चलो चलो आ जाओ पीछे से। झूठ मत बोलनी, क्योंकि जब तू झूठ बोलने की कोशिश करती है ना, तेरी आंखें कुछ और ही बोलती है और वो सच होता है। साक्षी तू क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है कहा ना मैंने। और हाँ, मैं परेशान थी रवि के लिए, क्योंकि वो बॉस के साथ डांस कर रहा था और मैंने ऑफिस वाले से सुना है कि ऑर्डर। थैंक यू पापा। ना क्या अपन वो गेस रहे हैं? क्यों बोले यार? क्यों बोले यार? और अब कौन क्यों बोले? कॉन्फ्रेंस लगा तो मैं उसकी साइड देख के बोलूं? नहीं, देख के मत बोलना, झूठ बोल रही है। एक्शन अपनी लास्ट है। रेडी? एक्शन। झूठ मत बोल, क्योंकि जब भी तू झूठ बोलने की कोशिश करती है ना, तेरी आंखें कुछ और ही बोलती है और वो सच होता है। साक्षी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं परेशान थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो रवि के लिए आगे चल के कोई प्रॉब्लम खड़ी करते, बस इतनी सी बात। और तूने इतनी सी बात का तूने इतनी सी बात को पता नहीं क्या क्या सोच लिया। और कुछ भी नहीं है। और आज मेरा संगीत है साक्षी, आज भी तू ये सब बातें कह रही है, हजार बार तुझे समझा चुकी हूँ ना। झूठ मत बोल, क्योंकि जब भी तू झूठ बोलने की कोशिश करती है ना, तेरी आंखें कुछ और ही कहती है और वो सच होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल, क्योंकि जब भी तू झूठ बोलने की कोशिश करती है ना, तेरी आंखें कुछ और ही कहती है और वही सच होता है। साक्षी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं परेशान थी रवि को लेकर, क्योंकि वो बॉस के साथ डांस कर रहा था और मैंने अपने ऑफिस वाले से सुना है कि नई बॉस बहुत गुस्से वाली है, बात बात पे लोगों की बेइज्जती कर देती है। और इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आगे चल के रवि के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे वो, बस और कुछ नहीं। और तूने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, बिना बात पर अपना दिमाग इतना क्यों चलाती है? और वैसे भी आज मेरा संगीत है और तू अब भी ये सब बातें कह रही है। कहाँ जाना था?
हंस मेरा संगीत है और तू अब भी यही सब बातें कर रही है। प्लीज तू क्यों नहीं सोचती जो तुझे सोचना चाहिए। हे भगवान, ये खुद तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलने वाला। मुझे पता है इसका इलाज क्या है। और वैसे भी साक्षी, आज मेरा संगीत और तू अब भी यही सब बातें कर रही है। प्लीज ये सब सोचना बंद कर। तू क्यों नहीं सोचती जो तुझे सोचना चाहिए। अपने मुंह से तो कभी कुछ कबूल नहीं करने वाली है। इसका इलाज है मेरे पास, आपसे ही छुपा रही हूँ। साक्षी वगैरह से तो बाद में बात आती है, मुझे खुद को ही नहीं पता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिन से ये चल रहा है, पर अभी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो मैं रवि को देखती हूँ कि वो किसी और के साथ डांस कर रहा है, और उसके बाद मुझे जेलेसी की फीलिंग होती है। लेकिन जब साक्षी मुझे आके कहती है कि आप जेलेस हो रहे हो, तो मैं उसको मानती भी नहीं हूँ। तो वही सब चल रहा है। आई थिंक एक दिन शायद मैं रियलाइज़ कर लूँ कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या फील कर रही हूँ मैं, पर अभी तक भी नहीं कर पाई हूँ। प्यार है नहीं है, मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना पता है कि वो किसी और के साथ डांस कर रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है वो मुझे नहीं पता। कहीं ये साकेत का पत्ता तो साफ नहीं है। नहीं नहीं, साकेत का पत्ता तो साफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो शादी करके लेके ही जाएंगे, और आई थिंक वो एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि क्या होता है साकेत के साथ। लेकिन देविका हीरोइन जो होती है, अक्सर देखा जाता है कि हीरो का ही होता है। अब एक्चुअली तो विलन का रोल, फिर रवि कहाँ से क्या हो गया? नहीं नहीं, एक्चुअली हीरोइन एट द एंड किसी की भी नहीं हो पाती। हीरोइन का काम है ऐसे दुख मनाते रहना। तो देखो अभी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि साकेत की होती है, रवि की होती है, किसकी होती है, मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, कि मैं किसकी हूँ। साक्षी ने कुछ मैसेज किया, मैसेज रवि के फोन से किया, किसको मैसेज, किसके बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। साक्षी ने मैसेज किया है, और आई थिंक वो कोई प्लान बना रही है ताकि मेरे और रवि के बीच में सब नॉर्मल हो जाए और हम दोनों को कुछ रियलाइज़ हो जाए। तो अभी भी वो कह के निकलती है कि मैं तुम लोगों का कुछ करूँगी अगर तुम लोग खुद नहीं रियलाइज़ कर सकते। तो साक्षी का दिमाग वैसे भी बहुत ही, दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, तो वो उल्ट सुलट कुछ तो करेगी एज ऑलवेज। पता नहीं है, रवि ने जिस लड़की साथ डांस कर रहे थे उसने सुनाया भी है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा लड़का होगा जो झगड़ा करे या फिर कुछ ऐसा। नहीं, ऐसा हुआ है? शायद मेरा जल्दी पैकअप हो गया था, तो मैं इंजॉय करी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं है। तो इट्स गुड, अभी फाइनली जब मैं डांस करूँगी तो मुझे पता नहीं होगा, तो अपने आप रिएक्शंस आ जाएंगे। अच्छा देविका, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि साक्षी कहीं रवि के साथ? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो खुद ही साक्षी को आइडिया दिया था कि तुझे इतना पसंद है तो तू चली जाना। बट साक्षी के मन में एक वही फीलिंग है कि मुझे देविका दी और रवि को ही मिलाना है। आई डोंट थिंक सो, उसके मन में उसके अलावा कोई और फीलिंग है रवि को लेकर। वो बहुत ही बचकानी है और उसको रवि बहुत स्मार्ट एंड ऑल लगता है, पर ऐसा उसके मन में कुछ भी नहीं है। थैंक यू। ये आप मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बता सकती। आप लोगों को देखना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या होने वाला है। संगीत कंप्लीट होता है तो कौन से लेवल पर जाके कंप्लीट होता है, क्या क्या हो जाता है संगीत में, शादी होती है नहीं होती, अगर होती है तो उसमें क्या क्या होता है। आई थिंक हम लोग इतना स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को और इंटरेस्ट आए और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एज एन ऑडियंस आपको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि मुझे जब मैं सीन्स पढ़ती हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई लव यू ऑल, और आप लोग सबके मैसेजेस, ट्वीट्स मुझे बहुत ही पसंद है। सो कीप ट्वीटिंग, कीप लविंग मी एंड कलश एंड एवरीवन एंड रवि, और रविका को बहुत पसंद करते हो आप लोग, थैंक यू फॉर दैट।